हेलो फ्रेंड्स, किरण द नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर और इजी पैटर्न बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये पैटर्न जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ दो सिलाइयों का है और बहुत जल्दी जल्दी बन के तैयार होता है। ये पैटर्न जो है ये मैंने 10 नंबर की नीडल्स पे बनाया है और ये वूल जो है ये क्रेप की वूल है जिसपे वॉवलिंग नहीं आती। ये मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाती है, थोड़ी मोटी वूल होती है ये। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने 10 नंबर की नीडल्स इस्तेमाल की है इस पैटर्न को ऐसे डालने के लिए। ये पैटर्न आप कार्डिगन पे, जैकेट पे डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको शॉल स्टॉल बुनना हो तो आपको मोटे नंबर की सिलाइयाँ लेनी होंगी, जैसे 9 की लें, 8 की लें, 6 या 7 की। तो फ्रेंड्स, ये पैटर्न बहुत लूज बन के आएगा और बहुत सुंदर बन के आएगा। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। ये देखिए, रॉन्ग साइड से पैटर्न बिल्कुल क्रोशिया पैटर्न जैसा ये लगता है, जैसे 3D क्रोशिया बनता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शॉल स्टॉल पे भी इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, तो उसके लिए आपको मोटी सिलाइयाँ यूज़ करनी होंगी। ये देखिए, 10 नंबर पे ये ऐसा बन के आया है। 10 या 9 नंबर पे आप बुनेंगे तो आप कार्डिगन पे या जैकेट पे इसको बुन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इजी सा पैटर्न है, इसको हम बुन के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए हैं मैंने 15 फंदे। ये जो पैटर्न है ये 4-4 के मल्टीपल पे चलता है। 4-4 के मल्टीपल आप इसमें करेंगे और +3 करेंगे तो आपके किसी भी प्रोजेक्ट पे ये आराम से सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये मैं शुरू से बुनने वाली हूँ, इसमें मैंने कोई बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया है। तो मैंने इसके रॉन्ग साइड के ये फंदे डाल रखे हैं, तो मैं इसमें एक बेसिक रो डाल लूँगी रॉन्ग साइड की, फिर हम सिलाई शुरू करेंगे, इसकी जो पैटर्न है वो शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो इसको राइट साइड से सीधे सीधे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक रो रॉन्ग साइड की मैं उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, इसमें मैं बेस देने के लिए डिज़ाइन को। ये देखिए, और अगर आप चाहें स्टार्टिंग से भी आपको पैटर्न डालना है, अगर आप रॉन्ग साइड से नहीं स्टार्ट करना चाहते, राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इसमें लूज फंदे डालिएगा ताकि आपको बुनने में इजी रहे ये पैटर्न। टाइट फंदों में वेरी फर्स्ट रो से ये बुनना बहुत टफ रहेगा। और शॉल स्टॉल या जैकेट पे आप शुरू से डालते हैं तो आप इसमें ढीले फंदे लगाएं तो बढ़िया रहेगा, लूज फंदे होने चाहिए। टाइट होंगे तो ये पैटर्न फंदे नीचे से सिकुड़ जाएंगे और पैटर्न ऊपर से खुल जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। राइट साइड में हम रो नंबर 1, यहाँ से भी आप पैटर्न स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, पहला तो हमारा ये स्टिच है, इसको हम उतार लेंगे। ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एक फंदा पर्ल वाइज ऐसे, इसको आपको ऐसे स्लिप नहीं करना है, ऐसे इसको स्लिप करना है पर्ल वाइज। देखिए, फिर यहाँ से एक बार पीछे से फिर से धागा घुमा के ऐसे लाएंगे। ये देखिए, ऐसे आएगा ये, और एक फंदा फिर से पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर आप 2 फंदे सीधे बुन लीजिए, 1 और ये 2। देखिए ऐसे, और जो स्लिप करा हुआ फंदा है ये तीसरा, इसको आप ऊपर से 2 फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे आएगा ये। ये देखिए, यहाँ भी आपने धागा घुमाया है और यहाँ भी आपने धागा घुमाया है, अब आपको ऐसे ही करते जाना है। ये देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, पीछे को धागा लेके जाएंगे और ऐसे एक बार सिलाई पर से फिर से घुमाएंगे, फिर फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। और जो ये वाला फंदा है तीसरा, इसको आप 2 फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। अब यही रिपीट करते जाना है आपको। देखिए, धागा अपनी तरफ, फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे को लेके जाएंगे और यहाँ पे सिलाई पर से एक बार लपेट लेंगे, फंदा स्लिप करेंगे ऐसे ही पर्ल वाइज, और 2 फंदे आप इसमें सीधे बुनेंगे। और फ्रेंड्स, इसको थोड़ा लूज बुनिएगा पैटर्न को, नहीं तो टाइट पैटर्न बन के आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, फंदा यहाँ स्लिप करेंगे ये वाला, और
नेक्स्ट फंदा जो एसटीच है आपका, इसको आप ऐसे सीधा बुन देंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स रो वन जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। इसमें रॉन्ग साइड में हम रो नंबर सेकंड में, फ्रेंड्स रॉन्ग साइड के फंदे उल्टे ही आएंगे, बट थोड़ा सा आपको ध्यान से बुनना पड़ेगा इनको। देखिए कैसे पहला फंदा एसटीच है, इसको आप उतारना चाहें तो जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। आगे आपको ये देखिए एक धागा घूमा हुआ फंदा और एक ये वाला मिलेगा, इन दोनों को आप एक कर दीजिए उल्टा बुनते हुए। ये देखिए ऐसे इन दोनों का एक बनाएंगे। अब आप आगे देखिएगा तो आपके पास ये तीन फंदे दिखेंगे आपको, ये तीन फंदे इकट्ठे बुनेंगे उल्टे। देखिए ऐसे एक बार बुनेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, सिलाई पर से ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर से एक बार इनको बुनेंगे। यानी कि तीन फंदों के आपको तीन फंदे बनाने हैं उल्टे बुनते हुए। ये देखिए फिर से वैसे वाले फंदा है, ये देखिए धागा घुमाया हुआ और एक ऐसे, इन दोनों का आपको एक कर देना है चुपचाप। ये देखिए ऐसे, और ये फिर से आपके पास तीन फंदे हैं, तीन फंदों को एक बार बुनिए, धागा घुमाइए, फिर से इनको एक बार और बुनिए। तीन फंदों के तीन फंदे बनाएंगे, और फिर से वैसे वाला फंदा है, इन दोनों का एक कर दीजिए उल्टा बुनते हुए ऐसे, और ये फिर से तीन फंदे हैं आपके पास। ये देखिए तीन फंदों का एक बार बुनिए, धागा घुमाइए सिलाई पर से, फिर से बुनिए इसको, तीन फंदों के तीन फंदे बन जाएंगे। ये देखिए लास्ट में आपके पास आएगा यही फंदा, ये आप दो का एक कर दीजिए इनको, और लास्ट में है आपके पास एस्टिच, इसको आप उल्टा बुन लीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स रो सेकंड भी हमने ख़त्म कर ली। इसमें देखिए फ्रेंड्स दो सिलाई हमने इसमें कंप्लीट कर ली है, तो ये दो ही सिलाइयों का पैटर्न है। रो वन और रो टू को रिपीट करते जाना है, तो ये पैटर्न आगे आगे चलता जाएगा फ्रेंड्स। बट मैं आपको रो वन एक बार रिपीट करके दिखाऊंगी, क्योंकि रो वन में यहाँ से जो आप स्टार्टिंग से बुनोगे तो इसका थोड़ा सा अलग से आएगा, और जब आप इसको बुनने के बाद, यानी कि दो सिलाइयाँ बुनने के बाद जब आपके पास ऐसे वाले फंदे आएंगे तो आपको थोड़ा सा अलग से ये लगेगा। तो चलिए ये मैं रो वन एक बार बुन के दिखाऊंगी आपको, बाकी रो सेकंड सेम टू सेम ही आएगी। राइट साइड रो वन को रिपीट करने जा रही हूँ मैं। ये देखिए एस्टिच मैंने उतार लिया, ध्यान से देखिए धागा अपनी तरफ, ये फंदा वैसे का वैसे स्लिप कर लेंगे, फिर धागे को ऐसे सिलाई पर से एक बार घुमा के पीछे को ले जाएंगे। अब आप यहाँ से देखेंगे कि ये फंदे अलग तरह के आ गए हैं, क्योंकि हमारा पैटर्न बुनना शुरू हो गया है, यहाँ से हमने बुना नहीं था तो ये फंदे अलग तरह के थे। तो तभी मैं ये आपको एक बार बताने जा रही हूँ कि आपको ये कैसा दिखेगा, आपको कैसा करना है। ये देखिए ऐसे पीछे ले जाएंगे और ये तीन फंदे आपको इकट्ठे दिखेंगे, इनमें से एक स्लिप करेंगे आप, ये देखिए ऐसे, और ये दो फंदे हैं इनको अलग अलग एक और दो ऐसे सीधा बुन लेंगे अलग अलग, और जो आपने फंदा स्लिप किया है उसको आपको ऊपर से निकाल देना है। ये देखिए वैसा ही आपके पास आना शुरू हो गया। ये देखिए फिर से वैसे करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये एक फंदा आपको दिखने लग जाएगा जो बीच में आएगा आपका, तो इसको ऐसे स्लिप करेंगे, धागा फिर से आगे ले जाएंगे लाएंगे और पीछे को ले जाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे सिलाई पर से, और ये तीन फंदे दिखेंगे, इसमें से एक फंदा आप स्लिप कीजिए और दो फंदे अलग अलग बुनिए, एक सीधा सीधे ही देखिए ऐसे बुन लेंगे, और ये वाला फंदा ऊपर से हम निकाल देंगे। देखिए ये बीच का फंदा आपके पास सीधा आता जाएगा, फिर से ऐसे करेंगे, धागा अपनी तरफ, फंदा स्लिप कर लेंगे, ये वाला फंदा हमेशा के लिए स्लिप होगा। ये देखिए, और यहाँ पे आप सिलाई पर से एक बार धागा घुमाएंगे, नेक्स्ट फंदा फिर से स्लिप करेंगे, और यहाँ पे दो फंदे सीधे बुनेंगे अलग अलग, ये देखिए, और जो पहले वाला फंदा है आपका तीन फंदों में से, वो दो फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे, धागा अपनी तरफ, फंदा स्लिप करेंगे लास्ट में, ये वाला, ये देखिए ऐसे, और ये देखिए यहाँ पे ये आगे किया हुआ फंदा ऐसे आपका जाली आ जाएगी यहाँ पे, तो ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स मैंने
तीन सिलाइयाँ इसमें डाल ली हैं। अभी मैं एक चौथी सिलाई इसमें डाल लेती हूँ इसके रॉन्ग साइड की, वो वैसी ही आएगी क्योंकि उसमें फंदों वाली ये वाली सिलाई जैसे आपकी एक बुनेगी है तो सेकंड रो वैसे की वैसी आएगी। फर्स्ट रो में थोड़ा सा अंतर था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ये मैं इसकी रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल में डिज़ाइन की लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं जैसा मैंने पैटर्न आपको दिखाया था वैसे का वैसा बन के आ गया है। तो आप भी अभी लीजिए सिलाइयाँ, और सिर्फ दो सिलाइयों का तो पैटर्न है, आप थोड़े से फंदों पे जैसे मैंने ये दिखाया है बुन के देखिए, सेम टू सेम आपका ऐसा ही पैटर्न आएगा। आपकी वूल थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए बस। तो मैं बुना हुआ पैटर्न भी आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप इसमें काफ़ी सारी सिलाइयाँ डालेंगे तो इस तरह से आपका पैटर्न आगे आगे बनता जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत साफ आया है ये, तो जितनी प्लेन वाली वूल होगी आपकी उतना ही ये सुंदर बन के आएगा। देखिए सिर्फ दो सिलाइयों का पैटर्न है, सिर्फ आप अब सिलाइयाँ लीजिए और एक बार इसको बुन के देख लीजिए और अपने किसी भी प्रोजेक्ट पेस्ट को इस्तेमाल कीजिए, बहुत सुंदर बन के आएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।